200,000 ओनली, 2 लाख रुपए मुस्तफा जाहिद का दस्तखत किया हुआ ये गिटार। और एक बात आप सब लोगों ने याद रखनी है कि बहुत मरतबा हमें ये लगता है कि जो चीज़ चैरिटी की जा रही है, जो चीज़ खरीदी जा रही है, उसकी कीमत ज़्यादा लग रही होती है, कम लग रही होती है। इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट द स्टफ दैट यू आर बाइंग, इट इज़ द कॉज। ये चीज़ आप सब लोगों ने मद्देनजर रखनी है। सो मुस्तफ़ा जाहिद का साइन किया हुआ गिटार, पहला चैरिटी आइटम जो कि 200,000 जिसकी मिनिमम बिड है और इससे ऊपर आप लोग जा सकते हैं, वो हमें याद होगा। 2,01,000, 2,02,000 तो वो हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन आप लोग हमें मौका फराहम करें कि हम यहाँ पर वो आवाज़ें लगा सकें। बिल्कुल, यहाँ पर हम आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ग्लव्स हैं, बॉल्स हैं, बॉल्स हैं, बैट्स हैं, सारी चीज़ें। सो बताते रहे, ओके। अच्छा, ये साथ हमारे अगला आइटम जो है मोहम्मद हफीज का बैट है, ये बल्ला, और 100,000 इसकी। ओके, वी हैव अ बिड फॉर द गिटार। रऊफ साहब ने 2 लाख रुपए की कीमत लगा दी है इसकी। अच्छा, अभी अभी हू ना करें, एक मिनट, ये तो रऊफ साहब के लिए, अभी ये तो रऊफ साहब ने हू कर दिया, करवा दिया हू। अब इस हू से कुछ आगे बढ़ने वाली कोई बात होगी तो फिर जरा देखा जाएगा कि ये गिटार मुस्तफा जाहिद का ये कितने प्राइस पर ऑक्शन किया जाता है। अभी साथ साथ है 2 लाख, और साथ साथ आप इस बैट के लिए भी लगा सकते हैं बोलियां, 1 लाख रुपए। अदनान भाई आए हैं, अदनान भाई आए हैं, अदनान भाई ने उंगली बुलंद की है। ये अंपायर की उंगली है अदनान भाई, अदनान की उंगली है जी, ये इस किस्म के सवाल उनसे नहीं करने। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, इससे पहले कि हम ये बाकायदा एक ऑक्शन शुरू करें, ये आइटम नहीं है, ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं। और अभी हमने पिंडी बॉयज़ की गज़ल सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और मैं चाहूँगा कि मुश्ताक भाई और लाला अगर इधर आ जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये हम अच्छी तरीके से ये ऑक्शन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस गिटार, ये बैट को भी छोड़ते हैं। 200,000 आपने कहा है, तो 200,000 कहाँ है, अब्दुल रऊफ साहब कहाँ है? अब्दुल रऊफ साहब पीछे बैठे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, अब्दुल रऊफ साहब को तो सामने ले आइए प्लीज़, और एक कुर्सी दे दीजिए इनको यहाँ। सो द बिड हैज स्टार्टेड विद 200,000, एनीबडी फॉर अ गुड कॉज। कौन है जी? अच्छा, सॉन्ग में गिटारिस्ट भी हैं सर, क्या बात है, कमाल का ये गिटार है। और इस वक्त आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़े सिंगर हमारे पाकिस्तान, पता है ना कौन है वो? कौन है? मुस्तफा जाहिद, उनका ये गिटार है। और उन्होंने इसकी जो हमने बिड स्टार्ट की है वो 200,000 से की है। देखिए, ये काम इतना ज़बरदस्त है, एक बात याद रखिएगा, ये जो आप जो दुनिया में तो कमाई लेंगे इंशाल्लाह, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये मेरा मानना है। और ये आपको हम बताते चलें कि अगला हमारे पास अब बैट है मुस्तफा जाहिद। मुस्तफा, कैन यू कम डाउन प्लीज? हफीज़ भाई, अगर आप भी ऊपर आ जाएं बड़ी मेहरबानी होगी। अदनान, अब प्लीज़ अगर इंजी भाई भी आ जाए, रज़ाक, मिसबा उल हक साहब, इंजमाम साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, दे आर कमिंग ऑन द स्टेज। और फिर ये जो ऑक्शन का मरहला है, अब इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि अदनान ने आकर डाल दी जान, ये हुआ है मामला यहाँ। अच्छा, नहीं है, जान तो आप लोगों ने डाली ही, ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखिए जनाब, अगर हम इसका बल्ला, मगर साइन बहुत बड़े आदमी की है, तो जनाब इस पे मोहम्मद हफीज साहब ने इस पे साइन किया हुआ है, बड़े भाई, एंड वी विल स्टार्ट द बिडिंग विद 2। कौन है जनाब? ये ऐसे लेजेंड्स खड़े हुए इधर जिनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान है, और लिटरली इन्होंने पाकिस्तान को जो एम्बेसडरशिप दी है,
अच्छा कुछ बैट्स ऐसे हैं जिसमें साइन हुए हुए हैं सबके। मैं चाहूंगा अगर मेरे साथ इधर और जिसकी वजह से मैं इधर आया हूँ फहीम में जो आप लोगों ने ओपन एयर किया है ये कमाल है। और खुदा की कसम गजल नहीं थी गाना था। सॉरी अच्छा जी ये जनाब मोहम्मद हफीज साहब का बल्ला साइंड एंड द बिडिंग स्टार्टिंग विद 200,000 जी कौन है? अच्छा मुझे नजर नहीं आ रही हमारे टीम ओनर्स किधर है? गुलाम साहब गुलाम अहमद शाहिद साहब 200,000 किधर है भाई आप? जिसने सबसे बड़ी मोमिन किधर है? मोमिन साकिब किधर है? इधर आ जाओ बेटा जरा गुलाम मोहम्मद शाहिद साहब को ढूंढ के लाओ। अच्छा सर ये आपने अच्छा काम किया है मुझे 2.5 लाख दे रहे हैं। 2.5 लाख की बिट आ गई है जनाब मोहम्मद हफीज के बैट के लिए। मोहम्मद सर सर सामने दिस इज सिग्नेचर। ओके जी 2.5 गुलाम मोहम्मद साहब 2.5 की आ गई है 2.7 की जल्दी। अच्छा जी आ जाइए सर 2.5 की 270 270 सर मेरे नाम मोहसिन साहब की 270 की आई है। समी साहब 3 लाख वेरी गुड तालियां होनी चाहिए बड़े भाई। अच्छा जनाब 3 वाला अच्छा एक डर है मुझे जी भाई कि स्टेज पर इस वक्त कोई तकरीबन 50 लोग हैं और मुझे नहीं पता कि ये स्टेज बर्दाश्त कर सकेगा 50 लोगों को या नहीं। ना करे लाला देखे बिस्मा साहब जरा बता समी साहब किधर है? समी साहब समी साहब मिजबा साहब के पास जाइए। अच्छा भाई 275 वाले कौन थे भाई? मोहसिन साहब मोहसिन साहब आ जाइए। मोहसिन साहब के लिए कौन सा बल्ला है जी? ये तो करने अच्छा ये जो बल्ला है ये नहीं हमारे वाला नहीं $40,000 1 ball anybody raising the bid for a good cause it is signed by Shahid Afridi इंजमाम साहब और मुश्ताक अहमद साहब। तो जनाब 40,000 सर जी 51 क्या नहीं सर 55 पे आए 55 60 61 सर आप भी आइए ऊपर आए आए सर आ जाए आप भी आ जाए। टू बॉल सोल्स 120 60 60 ये बड़ा कीमती होने की वजह बताएं। इस पे इसकी कीमती होने की वजह ये है कि इसकी
साइन है, एक साइड पर सारे जो शोबिज के हीरोज हैं उनके साइन है। क्रिकेटर्स में लाला, मिसबा, हफीज भाई, रजाक भाई के, और यहाँ पर के लोग हैं कि कोई 10-12 लोग हैं। अदनान भाई आपके साइन, मेरे साइन की जरूरत नहीं है यार, हो जाए ये भाई, ये अब तो मैं दस्ता हाथ के जबरदस्त। अब इसकी कीमत क्या लगा है, क्योंकि इसके ऊपर ये मेरे ख्याल में 5 लाख इंतहाई दस्तखत शुदा बैट है, जिसमें अंदर फुरुल लतीफा से ताल्लुक रखने वाले लोग और खेल से ताल्लुक रखने वाले लोग दोनों की सिग्नेचर्स हैं। आप दोनों की भी सिग्नेचर्स होनी चाहिए, आप भी डालिए। माशाल्लाह, मैं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल कर रहा हूँ। So we are starting with this five. We are starting this. आएगा, इंशाल्लाह आएगा सर। आगाज हुआ है अभी तो। 5 लाख से, 5 लाख से हमने इसकी बिट स्टार्ट की है। क्रेम डे ला क्रेम ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, शोबिज पर्सनालिटीज, जर्नलिस्ट, एंकर्स, सिंगर्स, you just name it, we have signed 5 lakh ho gaya ji, 5 mein ho gaya, kaisar daud sahab ke liye, basar daud sahab ke liye bahut sari taaliyan। मोमिन बताएं, ये जो जैकेट है ये किसकी है? नहीं, सबसे पहले तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों का ये चीजें लेकर आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। एक बिगर में भी स्टूडेंट्स इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये शहजाद रॉय साहब की जैकेट है, इसको आप पहनेंगे तो बस आपको पता है क्या होगा, फिर एंटी एजिंग पे चले जाएंगे, जवान ही रहेंगे आप, जवान ही रहेंगे। तो ये हम इसकी बेट, अदनान भाई कितने से शुरू करें? 2 लाख से। तो 2 लाख से हम इसकी बेट शुरू कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ अदनान सिद्दीकी साहब के लिए भी ताली एक दफा करते हैं कि जो जान डाल दी इन्होंने आज फंडरेजिंग में, किस लिए के बड़े मकसद के लिए हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं। तो 2 लाख से बिट शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाह करें, अपना हिस्सा डालें और आवाज लगा दें। मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूं, जो सर्दी बहुत हो गई है, इसकी बड़ी जरूरत है, इसी की जरूरत है। तो 2 लाख से हमारी बिट शुरू हो रही है, हमें पूरी उम्मीद है। किस चीज की? इसकी ओरिजिनलिटी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, इट्स वॉर्न आउट। तो ये पहनी भी है जैकेट, वाकई ये नई नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, खुशबू भी आ रही है शहजाद रॉय की इसमें से। तो जनाब बस कौन लेगा जनाब शहजाद रॉय की जैकेट? साकिब भाई, कोई है जनाब? देखें, ये हमारा मुल्क का बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत अच्छे काम भी करते हैं, तो ना उम्मीद मत कीजिएगा प्लीज। सर हम बड़े हो गए इनको सुनते सुनते, वो तो उतने ही रह गए। तो हम तो मर गए फिर। हाँ। जी जनाब, कौन है जनाब? मैं कहता हूँ बाकी शहजाद रॉय साहब का जब जिक्र किया जाए तो वो MSL के करीब करीब है, क्योंकि MSL भी एंटरटेनमेंट और एक अच्छी कॉज का मिक्सचर है, जिसमें आपके क्रिकेट सिंगर सारे मिलके एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और शहजाद रॉय साहब ने भी एंटरटेन भी किया आपको और मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। तो अदनान भाई ने मुझे कह दिया कि ये तुमने बेच के दिखानी है ये इनिशिएटिव, मुस्तफा भाई कोई आप भी हिस्सा डाले, आ जाए स्टेज पे, ये इसका जाना जरूरी है। मोमिन साकिब तुम लगा दो इसकी बिट पर। 2 लाख से स्टार्ट किया हमने, लगा दो। मैं अच्छा, अगर किसी ने ना लगाई तो मैं लगा दूंगा। और बताएं, ये देखें शहजाद भाई ने बड़े, we'll start with 40 college 40,000 साकिब साहब ने 2 लाख में लगा दी थी यार। साकिब साहब ये थे, ओ नहीं, बहुत साकिब, दूसरे साकिब नहीं लगाई थी, कहां है भाई साकिब साहब जिन्होंने 2 लाख लगाए थे? 40,000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से 50 करें जी, 50 से अभी स्टेज पर आए, लाला से मिले, अपनी आखिरत भी बनाए, 1-30 से 2 शिकार करें, ये जैकेट ले ले। और एक काम करते हैं,
मार्कर दे जरा, मार्कर मार्कर हैं हम आपके लिए। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है इसकी कीमत, 70 हो गई। मैं वहां से शुरू कर रहा हूं और मुझे पता वो मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। हसन, हसन, हसन किधर है? बुलाए इनको। हसन बाहर नहीं गया, मेरे लिए एटी कर रहा हूँ। अच्छा अभी हवाजी रजरात आए लोग, इधर ठंड बहुत हो रही है, खाने का भी वक्त हो रहा है, बहुत सारा इधर इस वक्त हमने कुछ करना है इधर। सो लेट्स, एक लाख में हो गई भाई, एक लाख में चली गई ये जैकेट। मीरव साहब आ जाए, अदनान सिद्दीकी और ओके दैट्स इट डन, वी हैव अचीव्ड द टारगेट, लेट्स गो फॉर द लास्ट बॉल। ओके 10,000 से 10,000 अदनान ने इतना बड़ा काम किया है और इतनी इतना आप लोगों को मोटिवेट किया तो ये तो बनता है। मैं इस वक्त 10,000 से शुरू कर रहे हैं जी। कौन है? 20,000 20,000 21, 22, 30, 25, 30, 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 30
क्योंकि आपने ये वाकई सर आप ऊपर आ जाए, मैं इनको दे रहा हूँ, मैं इनको ये बोल दे रहा हूँ, मगर मैं अपनी मर्जी से दूंगा जितने में आपने लेनी होगी और वो लेंगे आप। ये 50 में सोल्ड हो गई है, इस बॉल पे शायद क्या बात है। बहुत मेहरबानी होगी सर। ओके जी, हसन सिद्दीक साहब इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त जो साइनिंग सेरेमनी आपके सामने हो रही है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की 10 जो कि फेयर डील मार्केटिंग ने ले ली है और ये 10 फ्रेंचाइज मुख्तलिफ जगह पर होंगी, इनकी साइनिंग सेरेमनी है। इट्स अ ग्रेट कॉज जिसके साथ फेयर डील मार्केटिंग अटैच्ड हो रहे हैं और इस कॉज को यकीनन आगे लेकर जाएंगे और हमारी दुआएं हैं कि इसमें भी बरकत हो और बहुत ज्यादा बरकत हो। बिल्कुल आगे से भाई। को दिया जा रहा है और इनकी तरफ से क्लोथिंग भी है जो कि दी जाएगी। वेरी गुड कॉज, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय अल जन्नत। और इसी तरीके से होता है कि जब सब लोग साथ जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो मुट्ठी बन जाती है और उसका ही मुजाहरा आज हम देख रहे हैं कि सब लोग किस तरीके
ऐसे मैं अपनी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं आप बलूचिस्तान से सीधा रहा हूँ। सबसे पहले मैं रऊफ भाई आपका पे डील का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त इवनिंग स्पेशल इवनिंग मैं समझ रहा हूँ ये है। और मैं उस्मान से इब्तिसाम और मुस्तफ़ा मुशी भाई अगर जल्दी जल्दी मेरे पास स्टेज पे आ जाए प्लीज़ जल्दी से। उस्मान इब्तिसाम मुशी भाई जल्दी से प्लीज़ जल्दी आ जाए। मुशी भाई किधर है? मुशी भाई जल्दी आ आज हम लोग जो जमा हुए हैं यहाँ पे इन सब लोगों की एफर्ट्स हैं और जिसकी वजह से आज इतनी खूबसूरत शाम और कल से इंशाल्लाह एमएसएल हमारा शुरू होने वाला है जो कि इससे पहले भी मुस्तफ़ा ने लास्ट ईयर भी कराया था। बड़ी अच्छी एफर्ट की थी, हमें एक रास्ता नज़र आ गया था कि हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं अपने पाकिस्तान के जितने भी हीरोज़ यहाँ पे बैठे सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस चीज़ के लिए। और क्योंकि ये कॉज बहुत बड़ा है, बहुत सारी दुनिया में लीग्स हो रही हैं ये, लेकिन ये डिफरेंट लीग है और T10 फॉर्मेट कभी पाकिस्तान में नहीं खेला गया। इसके पीछे मकसद बहुत बड़ा है, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ वो जो हमारे बॉक्सर थे जिन्हें शहीर किधर है शहीर अफरीदी ये लोग देख सकें है भी कि नहीं है। आ जाओ किधर एक ऐसी आपको मैं जल्दी आ जाओ ऊपर शाबाश। अच्छा जी हम सब बड़ी क्लैपिंग करेंगे इस बच्चे के लिए। ये देखिए जी ये वर्ल्ड बहुत बहुत मुबारक हो आपका, इसी तरह करते रहो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इस लीग का जो मेन कॉज है वो यही कि हम जितने भी स्पोर्ट्समैन जो एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने जाते हैं जो कि नवंबर में हो रही है उसकी तरफ से आज मेरे घर पे और मेरा के जो लास्ट मंथ ऑपरेशन हुआ था उसकी तमारदारी के लिए भी मेरे का बहुत मशहूर हूँ और मैं बड़ा दुआगो हूँ कि इन्होंने ये जो एग्जाम हैं और हमारी दुआएं के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो भी उसमें आसानियाँ फरमाए। और इसका तमाम क्रेडिट मेरे स्पॉन्सर्स को जाता है जिसमें जो नुमाया स्पॉन्सर्स थे वो आपने मुझे सपोर्ट किया, आप मेरे हीरो हैं। काम आ सके अल्लाह ताला अपने ख़ास चुने हुए लोगों पर ये करम करता है कि वो उनको किसी के लिए एक तरह से एक मोहसिन बना कर भेजता है। तो ये अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं जिन्होंने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला और आज आप सब लोगों को इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालने का भरपूर मौका मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये एक चैरिटी डिनर है और यहाँ पर बहुत सारी क्योंकि इस कॉज को आपके बगैर नहीं चलाया जा सकता तो हम ऑक्शन की तरफ भी आगे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट वी हैव टुडे एट पार्टी सिटी। मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको देखते हैं कभी अपने घर को देखते हैं। तो पार्टी सिटी की तरफ से तमाम इंतहाई खूबसूरत मेहमानों को बहुत बहुत जो पिंडी बॉयज़ की टीम ने एमएसएल के तमाम ऑनर्स जो टीम के साथ हैं उनकी ऑनर में सजाई है। तो यहाँ पर एमएसएल के चेयरमैन शाहिद अफरीदी साहब, मुश्ताक भाई और मुस्तफ़ा जाहिद साहब हैं और उनके साथ जितने भी लेजेंड्स आए हैं मैं उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। Assalamualaikum।
ठीक है सर, ठीक है, डन हो गया, ठीक है, ठीक है। भाई आप प्लीज आगे से हट जाएं।